और कोरोना काल तो किसी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू होने का खतरा है। जापान में एक बैक्टीरिया ने बड़ा आतंक मचाया है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो संक्रमण के बाद मरीज को 48 घंटे के अंदर अंदर मौत की नींद सुला देता है। डर इसलिए ज्यादा क्योंकि अब यूरोप के 5 देश तक ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है। देखिए सरा यह रिपोर्ट। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। ये इंसान के जिस्म में पलता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है। जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS, यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा ये बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहाँ इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। जापान में STSS बीमारी के 2500 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है, यानी 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। जापान के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें STSS के मरीजों को फौरन इलाज के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन ये भी सच है कि जापान में इस बीमारी से लोग काफी डरे हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया का संक्रमण भी तेजी से होता है। लेकिन सवाल है कि ये बीमारी होती कैसे है और इसके लक्षण क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मांस खाने वाला जापानी बैक्टीरिया आम तौर पर सूजन और गले में खराश की वजह से पैदा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हथेलियों या तलवों पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, बुखार, लो ब्लड प्रेशर और फिर अंग काम करना बंद करने लगते हैं। टोक्यो के डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर फौरन रिपोर्ट करने को कहा है। पहले मरीज के शरीर खासकर पैर में सूजन देखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक बार इंसान के जिस्म में पहुंचा तो सबसे पहले अगर इसने पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी के आसपास असर दिखाया तो देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है। अगर सुबह एड़ी के आसपास सूजन हुई तो दोपहर तक घुटने तक इसका असर हो जाएगा और शाम तक इसका असर पेट और जिस्म के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। STSS से निपटने के लिए जापान के बाजार में एक वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है। इससे जलन होने लगती है, फिर ये शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं जिससे तेज दर्द होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर पर खुले घावों में चल जाता है। ऐसा सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, प्रसव के दौरान होने का खतरा है और महिलाओं पर यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमला करता है।
बैक्टीरिया और वायरस में फर्क समझ लीजिए। बैक्टीरिया एक कोशिका होती है जो अपने आप या तो जिस्म के अंदर या बाहर जिंदा रह सकती है, जबकि वायरस बिना मेजबान के जिंदा नहीं रह सकते। वो जिंदा रहने और फैलने के लिए कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं और इसी तरह वायरस का संक्रमण होता है। इस बैक्टीरिया से बचना है तो जापान में लोगों को बार बार हाथ धोने और खुले घावों का फौरन इलाज कराने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन के मुताबिक जापानी बैक्टीरिया वाली बीमारी STSS किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, खासकर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा है। यही वजह है कि जापान में आजकल लोगों में डर बहुत ज्यादा है। वो कोरोना से हुई तबाही भी देख चुके हैं और अब STSS अगर जापान से बाहर फैला तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इस वक्त जापान में लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसमें बीमारी की गंभीरता और खतरों के बारे में बताया जा रहा है। दुनिया पहले ही कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे जब दुनिया का एक एक कोना इस बीमारी से लड़ रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2020 से अब तक यानी जून 2024 तक कोरोना के 70 करोड़ से ज्यादा केस आ चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में कोरोना के बाद जिस तरीके की ढील दी गई उससे STSS के मामलों में इजाफा हुआ है। सिर्फ जापान ही नहीं, कई देशों में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जापान के बैक्टीरिया को लेकर भारत के लिए खतरा क्या है, भारत को किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। भारत में इसका कोई केस अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई चोट या खुला घाव है तो उसका सही इलाज जरूर कराएं, क्योंकि संक्रमण न फैले इसका ख्याल तो हमेशा रखना चाहिए। और लखनऊ में गैराज में भीषण आग लग गई। चिन्हट इलाके में गैराज में यह आग लगी बताई जा रही है। कई गाड़ियां इसमें जलकर राख हुई हैं। आग से CNG कारों में धमाके भी सुनने को मिला है। दमकल की 3 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक गैराज में ये आग लगी। बहुत सारी गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। चिन्हट इलाका बताया जा रहा है लखनऊ का, जहां पर ये गैराज स्थित था, जहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी जो जलकर अब राख हो गई हैं। बताया जा रहा है आग से जो CNG कारें वहां पर खड़ी थी उसमें धमाके भी हुए हैं। फिलहाल दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। भीषण गर्मी है और इस तरह की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से आती रहती है। आग लगने की बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से लगी ये आग? शुरुआती जांच में सामने आ रहा है उसके मुताबिक गैराज में खड़ी हुई किसी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और वो आग फैली है। सुबह सुबह का समय था, लिहाजा गैराज में कोई मौजूद भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग को काबू करने में लगातार उनकी मशक्कत जारी है। यूनिक कार गैरेज है, ये चिन्हट के देवा रोड पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कम से कम 20 कारें इस आग की चपेट में आ चुकी हैं और जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। ये आग अगल बगल रिहायशी इलाकों में ना पहुंचे, इसके लिए फायर ब्रिगेड ने पूरे एरिया को कंटेन कर लिया है और फायर ब्रिगेड की ओर से कहा गया है कि आग को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आग को उसी एरिया में कंटेन कर लिया और बहुत जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। और आजमगढ़ में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पहले बंधक बनाकर पीटा गया, फिर बक्से में बंद कर दिया गया। बक्से में बंद करने से पहले प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर उसकी पिटाई की गई। आरोप के मुताबिक लड़का प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस की दखल के बाद प्रेमी को छोड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आजमगढ़ में प्रेमी की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस की मदद से फिलहाल तो लड़का जो लोगों के हाथ में पड़ा था वहां से छूट गया। बताया जा रहा है कि अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, आपत्तिजनक हालत में लोगों ने इसको पकड़ा। उसके बाद इसकी जबरदस्त तरीके से पहले तो पिटाई की, फिर बक्से में बंद कर दिया। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो किसी तरह से लड़का उनकी मदद से छूटा। सर,
और दशकों बाद इस बार पहाड़ आग उगल रहा है। हालात यह है कि यहां पर पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पहाड़ों में तेजी से पारा बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कई दिक्कतों को वो आमंत्रित कर रहा है, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बीते सालों तक पहाड़ इन दिनों प्री मानसून बारिश से भीग चुके थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी भी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां इस बार पारा 35 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम के साथ ही न्यूनतम पारा भी चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने बीते 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोडें ज़्यादा कट रही हैं, जंगलों में बर्निंग हो रही है, और उसके साथ साथ ही मकानों का इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हमारे जो जलवायु का नियंत्रण है वो नहीं हो पा। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो बड़ी वजह है ही, साथ ही पेड़ों का अंधाधुंध कटान और अनियोजित विकास भी पारे को चढ़ा रहे हैं। बीते सालों में ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी रोड कटी है, जहां आमतौर पर इंसानी दखल काफी कम होता है। यही नहीं, पारंपरिक भवन शैली को भी दशकों पहले लोग अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में पहाड़ के सभी शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं। नतीजा ये है कि सीमेंट के घर ना तो गर्मी रोकने में कारगर साबित होते हैं और ना ही पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। एक तो हमारे जंगल मर जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उसमें कमी आएगी, तीसरा होगा कि हमारा जो वाटर टावर है, थर्ड पोल, खासकर तीन पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड थर्ड पोल, जो हमारा हिमालय है, वहां का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी। पहाड़ों में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर की स्थिति में भी खासा असर पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया है। बारिश कम होने से भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिर रहा है, वहीं पारा चढ़ने से ग्लेशियर के गलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।